हर चीज का जावा में कन्वर्ट होना चाहिए। मोटो क्या था? हर चीज का जावा में कन्वर्जन होना चाहिए। अब देखो, हमने शुरुआत करी, हमने भी क्या किया, सिंपल एक स्टेटमेंट लिया और उसको क्या कर दिया, जावा में कन्वर्ट किया। दैट इज द ओनली बेसिक मोटिव ऑफ अ जावा लैंग्वेज, कि हर चीज को आप क्या कर सको, जावा में कन्वर्ट कर सको। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यानी उसने क्या सोचा पता है क्या, यार हर चीज का नाम होता है, यस और नो? एवरी चीज हैज अ नेम। गेटिंग माई पॉइंट ऑन नॉट? अगर हर चीज का यस नाम होता है, कोई भी चीज पकड़ लो अपने आजू बाजू की ना, लैपटॉप, मोबाइल, टेयर, चेयर, वॉच, माउस, हर चीज का कोई ना कोई क्या है, नाम है। वैसे ही हर चीज की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी। क्या रहेंगी प्रॉपर्टीज बोले तो? अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास पेन है, तो क्या हो गया, पेन एक नाम हो गया। इसकी हाइट, विड्थ, लेंथ, कलर, ये क्या हो गई, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इस कैन बी चेंज, यस और नो? लेंथ पेन की चेंज होगी, प्रॉपर्टी चेंज होगी, यस और नो? कलर किसी का ब्लू, किसी का रेड, किसी का ग्रीन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो यस प्रॉपर्टीज होगी, हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होगी। पत्थर पकड़ लो ना, डायमेंशन, वेट, कलर, प्रॉपर्टीज है, नाम पत्थर हो गया। वैसे हर चीज किसी ना किसी ऑपरेशन में काम आएगी। पेन है, लिखने के काम आएगा, मुंह है, बोलने के काम आएगा, लैपटॉप है, नहीं करनी प्रोग्रामिंग, पिक्चर देख सकते कि नहीं, पत्थर है, मत बनाओ घर, फेंक के तो मार सकते कि नहीं, हर चीज किसी ना किसी काम में आती है। तात्या ने इसी का फायदा उठाया। क्या बोला उसने पता है क्या, ये जो नेम है या फिर ये जो प्रॉपर्टीज है या ये जो ऑपरेशन है, इसके लिए उसने क्या कर दिए, अलग अलग पैरामीटर बना दिए। बोला नेम के लिए बनाऊंगा क्लास, प्रॉपर्टीज के लिए बनेंगे वेरिएबल्स, क्योंकि चेंज होने वाली चीजें रहेगी ना प्रॉपर्टीज में, और ऑपरेशन कहाँ लिखा जाएगा, और एक क्लास के अंदर सिर्फ दो ही चीजें हो सकती है, वेरिएबल एंड, कितने वेरिएबल लिख सकते हैं हम लोग एक क्लास के अंदर, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड अनलिमिटेड कितने लिख पाएंगे, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड जो प्रॉपर्टीज थी, हाइट, विड्थ, लेंथ वगैरह, इसके लिए क्या बनते हैं, वेरिएबल। ऑपरेशन माने एक्चुअल काम, वो कहाँ किया जाएगा, मेथड में। यानी क्या हुआ रे, हर चीज का एग्जैक्टली कॉपी बनाया गया जावा के अंदर, एग्जैक्ट कन्वर्जन किया गया। और इसी के ऊपर जब तात्या ने किताब लिखी, तो किताब में उसने डेफिनेशन लिखा, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बोले तो कोई भी एक चीज, जैसे हम मराठी में वस्तु बोलते, हिंदी में चीज बोलते, वो तात्या अंग्रेज था, वो बोलता था ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट कॉपी, ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी। तो किसी भी चीज का एग्जैक्ट कॉपी बोले तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्लास। क्या बनेगा, क्लास। एग्जैक्ट कॉपी क्या बनेगी, क्लास की बनेगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्लास, किसी भी चीज का एग्जैक्ट कॉपी बोले तो क्लास। इसीलिए जावा में हमेशा क्या बनाया गया, क्लास। तो अगर इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज क्लास, तो क्या बोलेंगे, क्लास क्लास इज इज अ अ, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे, क्लास इज अ, ब्लूप्रिंट ऑफ नहीं, वो इंटरव्यू बोलेगा तुम रट्टा मार के आए हो किताब से। कंपनी को प्रैक्टिकल बंदे चाहिए, रट्टेबाज नहीं चाहिए। क्या बोलना, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। प्रैक्टिकल लगता है कि नहीं, थोड़ा सा किताब वाले स्टेटमेंट नहीं यूज करना, बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे अगर मैं किताब की बात करूंगा ना, तो ये जो यहाँ पे फंडा हुआ है ना, मैंने बोला था देखो, इसको कस्टम वेरिएबल बोलते, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते, या रेफरेंस वेरिएबल बोलते। अगर मैं किताब की बात करूँ ना, तो इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक किताबी वर्ड है, एग्रीगेशन। अगर किसी और क्लास की कोई चीज में मेरे क्लास में यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एग्रीगेशन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये फोन किया है, ये कोई और क्लास है कि नहीं, तो किसी और क्लास की कोई चीज में अगर मेरे पास काम में ला रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एग्रीगेशन। ये बुक का वर्ड है, लेकिन अपने को बुक से वर्ड से मतलब नहीं है, बिकॉज वी नीड टू गो विद द प्रैक्टिकल बेसिस, नॉट ऑन द रट्टेबाजी। सो हम भी डेफिनेशन अगर पूछेंगे क्लास का, तो ऐसा बोलेंगे क्या, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, नो, ये किताबी लाइन है।
हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड एक इंडियन बंदे ने किताब लिखी है, उसने क्लास का एक और डेफिनेशन लिख दिया, उसने क्या बोला, बोला क्या, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेट एंड बिहेवियर, स्टेट बोले तो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर बोले तो ऑपरेशन। लेकिन अगेन किताबी लाइन हो गई ना, हम क्या बोलेंगे, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स, बुकिश भाषा यूज नहीं करेंगे। क्लियर? चलो और कोई क्वेश्चन किसी की तरफ से?